हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में, जो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और ये भी ओपन है ऑलरेडी। इसकी कल लास्ट डेट है, तो देखते हैं लास्ट डेट पे इसको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये कम किस सेक्टर का आईपीओ और कितना इसमें अमाउंट लगेगा एक लॉट भरने के लिए। तो इसका आईपीओ का नाम है, वो है लो सीखो एसएमई आईपीओ। ठीक है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का आईपीओ है और इसमें देखो यहाँ पे क्या ना 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 24 जनवरी तक यहाँ पे इसमें कल लास्ट डेट है। तो कल आप इसमें चाहे तो भर सकते हैं इसमें। और इसमें एक लॉट की जो प्राइस रखी गई है, मतलब रेंज रखी गई है 130 से लेकर 140 की। तो ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अगर आपको आईपीओ चाहिए, इसमें अलॉटमेंट चाहिए, तो 140 की रेंज में ही भरना, तब जाके इसमें मिलने के चांसेस देंगे यहाँ पे ऐसे में, तो पॉसिबल है। और 1000 शेयर का एक लोट है, मतलब 1,40,000 रुपए का पूरा एक लोट आएगा यहाँ पे, अगर डिटेल तरीके से भरते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं आगे डिटेल्स इसमें यहाँ पे क्या रहता है। रिफंड वगैरह जाएगा 29 तारीख को, और ये लिस्टिंग वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे लास्ट डेट से लेकर 3 दिन के उसमें 3 वर्किंग डे में यहाँ पे हो जाएगा इसमें, मतलब हो जाता है सब। ठीक है, तो बीच में भी छुट्टी वगैरह भी आ रही है, फ्राइडे की आ रही है, तो सैटरडे संडे आएगा 3 दिन, तो वो आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा गैप यहाँ पे दिख रहा है इसमें। अब हम बात करते हैं आगे डिटेल्स वगैरह में। इसमें प्रमोटर होल्डिंग इसमें रखी गई है यहाँ पे ऑलरेडी अप्रोक्स 93% की यहाँ पे है, तो अब बाद में 67% तक हो जाएगी यहाँ पे इसमें। इसमें आईपीओ की साइज वो है 60 करोड़ का अप्रोक्स यहाँ पे आईपीओ है। और अच्छी बात ये, इसमें फ्रेश इशू है, मतलब ये ओएफएस कम है यहाँ पे 2.25 करोड़ का, बाकी फ्रेश इशू है, मतलब बिजनेस वगैरह के एक्सपेंड करने में उसमें काम में लिया जाएगा ज़्यादा। और बाकी प्रमोटर वगैरह का तो अपना थोड़ा बहुत माल यहाँ पे सेल कर रहे हैं। एक लोट अगर रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं तो 1,40,000 रुपए लगेंगे यहाँ पे, और मिनिमम स्मॉल मिनिमम एचएनआई कैटेगरी में लगाते हैं तो 2 लोट यहाँ पे लगा सकते हैं, और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये शेयर मल्टीप्लाई कर दो, हिसाब से यहाँ पे डबल हो जाएंगे सब। अब हम देखते हैं यहाँ पे जीएमपी देखते हैं, और जीएमपी के हिसाब से भरना चाहिए देख लेते हैं। रिटेल कोटा यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे 35% से कम नहीं होगा यहाँ पे, तभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिखाया। देखो जीएमपी अभी इसकी काफी सही चल रही है, अप्रोक्स अगर जो दिखाया जाएगा जिस हिसाब से दिखा रहा है, तो मतलब डबल से ज्यादा खुलने के चांसेस रहेंगे इसमें यहाँ पे, तो लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है इसमें कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे 140 रुपए का आईपीओ है और 165 रुपए प्लस में चल रहा है यहाँ पे इसमें, ये जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे भरने के चांस अच्छे हैं यहाँ पे। एक बार फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सिक्योर ज्यादा हो जाएंगे उसको भरने से पहले ही यहाँ पे चीजों को लेकर। कंपनी का ये जो काम है एजुकेशन सेक्टर का आईपीओ है यहाँ पे, तो पूरा उसी को लेके है, आप चाहे तो डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। पर हमारा अगर लिस्टिंग इनके पर्पज से है अगर लगाने का आईपीओ का, तो हम मेन चीज तो हमारे लिए जीएमपी कैसी है और फंडामेंटल्स एक बार देख लेना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ना, तो वो चीज़ देखना ज्यादा जरूरी है इसमें, तो वो चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पे। उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, सारा ऑब्जेक्टिव तो वही है, सब चीज़ें जो नॉर्मली होते हैं, एक बार आप चाहे तो रीड कर सकते हैं इसको। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स, और उससे पहले देखते हैं कितना कितना कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। क्यूआई टोटल जैसे 100 शेयर है, तो 100 में से 50 तो यहाँ पे इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए रखे गए, अप्रोक्स 21 से 22 शेयर यहाँ पे एनआईए के लिए रखे गए, क्यूआईबी के लिए रखे गए 28 से 29 शेयर यहाँ पे, तो ये इस तरीके से डिवाइड किया गया है यहाँ पे ऐसे में। तो रिटेल कैटेगरी में चाहे तो एक लोट लगाए तो भी उसमें आना होगा, तो उसी में आएगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो चीज़ है। या फिर अगर आप एनआईए कैटेगरी में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 लोट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें लग जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स इसके। देखो पहले कंपनियां 2021 में यहाँ पे बिल्कुल ये मतलब माइनस में थी, 2022 में और ज्यादा होगी, क्योंकि 21 से 22 में फिर उस टाइम पे कोविड भी ज्यादा थोड़ा इशू थे, पर एकदम से यहाँ पे इसे जंप मारा है, तो ये जंप है ना बहुत मतलब अलग लेवल का। देखो बिल्कुल एकदम माइनस में चल रही है ये, और 50 लाख का क्योंकि लाख के उसमें, और सीधा यहाँ पे इसे जंप मारा मार्च में 23 में, उसके बाद अगस्त 23 में यहाँ पे अच्छा जंप चल रहा है, तो ये मतलब कुछ अच्छा सरप्राइजिंग थोड़ा सा। और साथ में देखो एसेट भी बढ़ रही है यहाँ पे, एसेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मतलब फंडामेंटल सही है यहाँ पे, अगर हम बढ़ना चाहें तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव लग रही चीजें यहाँ पे ऐसे में। इसकी वजह से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है कहीं पर, क्योंकि कंपनी में एकदम से प्रॉफिटेबल है। कोई भी कंपनी अगर देख लो, मान लो जैसे बहुत सारी सी कंपनी अभी भी जो लिस्टेड कंपनी है, जोमेटो है, तो वो अभी कंटिन्यू दिखा है, तो ईयर ऑन ईयर पे अभी लॉस में चल रही है, पर जैसे जैसे प्रॉफिटेबल आने लगेगी ना, तो लोगों का उसका ट्रस्ट उस पर और डेवलप होने लगेगा कि कंपनी अब धीरे प्रॉफिटेबल हो चुकी है, कंपनी ने अपना बेस तैयार कर लिया ऐसे में, तो और ऑलरेडी ट्रस्ट डेवलप होता है ऐसी कंडीशन में। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें और ज़्यादा देखने की ऐसे कुछ नीड है नहीं दिल्ली की कंपनी ऐसी, यही चीज़ें तो भरने के लिए तो सही लग रहा है अभी यहाँ पे, फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइस को डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें। और ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं इस आईपीओ के आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये मिनिमम एचएनआई कैटेगरी के लिए आपको 2 लोट भरना चाहिए, भर सकते हैं अगर यहाँ पे आप चाहें तो इसे, बाकी 1 लोट सफिशियंट है अगर रिटेल कैटेगरी में भर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।